गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं 8:30, कोई काम नहीं है आज। जिस दिन कोई काम ना हो और ये सोच के सो कि आज आराम से उठूंगा, नींद नहीं आएगी आपको, चाहे आप कितना भी थके हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं इतनी जल्दी उठ के करूँगा क्या। कोई नहीं, आज है सैटरडे, कुछ मैं डेली रूटीन की आपको चीज़ें दिखाऊंगा, बताऊंगा अपने बारे में। आज के ही थोड़ा बाहर जाने का भी प्लान है, शायद गए तो वो भी शूट करूँगा, देखते हैं। चलो उठ ही जाते हैं, अब उठ के आए तो फालतू में लेट के टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। तो अभी बना रहे हैं कॉफी, पानी हो रहा है गर्म। ये लगभग मेरा रेगुलर रूटीन रहता है लास्ट 3 या 4 साल से, तो एक तरीके से आप एडिक्टिव बोल सकते हो। मिल्क वाली नहीं, पानी वाली। मिल्क वाली तो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। अभी पियेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे तो वो भी दिखा दूंगा, अगर दिखा सकते हो। अभी वैसे आपको दिख ही रहा होगा, कुछ तैयारी तो हो रही है लेकिन पता नहीं क्या है। तो अभी कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि एक सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन पे जाया जाए, तो जिससे कि मैं भी मोटिवेट होऊंगा और आप लोग भी मोटिवेट होगे देख के, और अच्छा भी लगेगा कि हाँ कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे भी ऑब्वियसली कुछ सीखने को मिलेगा अपने आप से, कैसे क्या चेंजेस होते हैं डाइट से, वर्कआउट से, वो भी है। तो यहाँ तो शायद पॉसिबल नहीं है इतना, पॉसिबल है बट यहाँ पे है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। होपफुली मैं डेली जब जाऊँगा तो यहाँ पे स्टार्ट कर दूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ अभी क्या है कि अभी आई एम कैरिंग अ लॉट ऑफ फैट, यहाँ भी है इधर भी है इधर भी है, तो थोड़ा सा फैट परसेंटेज रिड्यूस करना है, तो ये मैंने सोचा हुआ है। वैसे इतना नहीं है बट हाँ पहले से काफ़ी ज़्यादा है, मसल तो कम से कम होती है बट ये थोड़ा सा यहाँ से कम करना है बेली फैट। पानी गर्म हो गया, देखते हैं शाम को क्या होता है। ऑफिस है नहीं, छुट्टी है, जिम भी जाना है, कोई ऐसा खास काम नहीं है। एक्चुअली हाँ वीडियो बनाने के रीज़न ये था, मैं सोच रहा था जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया कि मुझे एक सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन पे जाना चाहिए या नहीं। कोशिश करते हैं कि यहाँ से ही मैं स्टार्ट कर दूँ कुछ टाइम में। कॉफ़ी का मुझे लेते हैं बाकी, ये मेरे लिए अच्छी कैफीन सूट करती है, नहीं करती है बट मुझे करती है। और मैं पीता भी हूँ, दिन में एक बार ही ले लेता हूँ, कई बार 2 बार जब बहुत ज़्यादा थका हुआ होता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ काम करना है तो सबको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा बट हाँ मेरे लिए है। फाइनली पूरा दिन घर पर पड़ जाने के बाद किसी का फ़ोन आया कि चलो यार चलते हैं कहीं, डेजर्ट ठंडे में यही होता है, चलो तो देखते हैं कहाँ जाएंगे। हाँ भाई क्या सीन है, जैकेट सी जैकेट से, मैं तो पहली बार आया हूँ मैनपुरी में ऐसी जगह। भाई सही लग रहा है यार। ये बताओ पहले जा कहाँ रहे हो, जा कहीं जा रहे हो? बस यार ऐसे ही सर्दी की शॉपिंग करते हैं। जिम नहीं आओगे मैंने सुना, किसने कहा? हाँ यार दोस्त जिम नहीं होगा यार, 2 हफ्ते के लिए यार है, अकेला करूंगा शादी वगैरह है। दूसरा बॉडी बिल्डर तो करता नहीं है मेरे साथ, देखते हैं।
मुझे भी दिलवाना पड़ेगा लेकिन डन है भाई, डन डन ठीक है। एक बंदा और आया जिसने सुबह धोखा दिया था, ठीक है। हाँ भाई, चूतिया कैसे बनाते हो तुम? चूतिया कैसे बनाते हो? इधर इधर आओ पहले, ये छाती चौड़ी करके जो चल रहे हो आज तुम। प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। प्रोग्राम कैंसिल हो गया तुम बता नहीं सकते थे यार? देखो हाँ, प्रोग्राम कैंसिल हो गया तुम बता नहीं सकते थे? वो जा रहा है, वो जा रहा है एक दो हफ्ते के लिए बाहर, और तुम मजे ले रहे हो। मैं इतनी देर बाद हुई व्हाट्सएप पे, तो नहीं बताया गया तुम पे? नहीं फिर कैंसिल हो गया, बहुत कैंसिल हो गया। अभी घर आ चुके हैं, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, कुछ मिला भी नहीं जो लेने गए थे। ज़्यादा कहीं घूम भी नहीं पाए, थोड़ा प्लान था इधर उधर जाने का, बट सबके घरों से फोन आने लग गए, थोड़ा लेट भी हो गया था, तो फिर जल्दी आ ही गए और कुछ हुआ नहीं। अभी वैसे तो खाने का टाइम है, लेकिन खाना अभी थोड़ा लेट ही होगा, लेट ही होता है यूजुअली, रात में जगता हूँ इस वजह से। तो फिलहाल ये है मेरे सामने, हेल्दी नहीं है बिल्कुल भी, बट हाँ कभी कभी चल जाता है, वीकेंड्स पे ही मैं थोड़ा सा चीट करता हूँ। दरअसल इन्हें आप टेम्प्ररी वर्कर भी बोल सकते हो। एक्चुअली क्या है कि जब से मैं आया हूँ दिल्ली से यहाँ पे, जब COVID-19 स्टार्ट हुआ था उस टाइम से वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ था, तभी से मैं यहाँ पे ही हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। तो मैनपुरी में एक्चुअली कुछ फैंसी खाने को मिलता नहीं था, ठीक है। फैंसी इन द सेंस बोल सकते हैं कि जो कि जंक होता है, मोमोज हुए, बर्गर हुआ, पिज्ज़ाज हुए, तो मिलते हैं, मतलब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आते थे, ठीक है, ये है, मिलते होंगे तो अभी। बट क्या है कि अभी कुछ महीनों से मैं देख रहा हूँ कि पंजाबी कॉलोनी के आसपास ना थोड़ा सा भीड़ होने लगी है, और जो चाइनीज़ व्हीकल जो होते हैं वो खड़े होने लगे हैं, तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है मतलब, तो उस पर मैं चला जाता हूँ कभी जब भी मन होता है। तो भैया बर्गर भी, हाँ बर्गर पॉइंट भी ओपन हो गया उधर आसपास, तो काफ़ी अभी तो काफ़ी ऑप्शन मिलने लगे हैं वैसे, ठीक है। वही है, स्टार्टिंग में मुझे पता भी नहीं था किधर किधर मिलते हैं, ठीक है, बस गिने चुने दो ही रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे चले जाते थे बस। तो वैसे अभी ऑप्शन आने लगे हैं, तो थोड़ा खाने भी लगे हैं, बाकी घर पे बन जाता है ये सब, तो बस टेम्प्ररी वर्कर बोल लो इनको, ठीक है। तो अब ये खाएंगे खाना, इसके थोड़ी देर बाद होगा, तो बस जाना तो वेस्ट हो गया, सोचा ब्लॉग ही एंड कर देते। सैटरडे संडे में एक्चुअली कुछ ज़्यादा होता भी नहीं है करने को, इधर उधर बस जाना, कहीं और चले जाते हैं कुछ, बस यही होता है। जो भी था दिखाया, एक्चुअली कई सारी चीज़ें होती हैं, बट अभी क्योंकि नया नया वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो मुझे याद भी नहीं रहता है कि क्या क्या शूट करना है। जब वो काम हो चुका होता तभी मुझे याद आता है कि अरे यार शूट ही कर लेते, बट कोई नहीं, धीमे धीमे आ जाएगा। तो ठीक है, फिलहाल के लिए ये ब्लॉग एंड करते हैं, थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मंडे से फिर वही चिप्स वगैरह के ब्लॉग्स आएंगे, वीडियोस आएंगे, देखते हैं, थैंक यू सो मच, बाय।